बैक टू बैक गाड़ियां भिड़ी है। Hey guys, welcome or welcome back to my channel. Hi, my name is Jyoti Singh and I make videos related to travel and food. बहुत ही sudden और instant plan था which we decided during the week itself कि हम लोग जाएंगे हिमाचल. So we are on the way. अभी just हमने western peripheral cross किया है and the weather is pretty hot. मतलब एकदम से गर्मियाँ बढ़ गई हैं but I hope कसौली में जाके भी मतलब weather थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाए. I'll take you along with the journey and stay tuned. प्रॉब्लम हो गई है, हमारा फास्टैग रीड नहीं कर रहा है. और ये आईसीआई वाले अधिकारी से जुड़े हैं. वाले भाई, अगर तुम हमारी वीडियो देख रहे हो प्लीज कॉल कनेक्ट कर दिया करो, हमारे लिए महत्वपूर्ण है. बाहर आते थे प्रॉब्लम हो गई, फास्टैग वाज नॉट वर्किंग एंड मतलब बहुत ही दिक्कत हुई. एक ही टोल क्रॉस किया बट फिर भी दिक्कत तो हो ही गई थी. सो अभी हमें एक वेस्टर्न पेरिफेरल के एंड पॉइंट पे एक भैया मिले हैं जो आईसीआई फास्टैग ही दे रहे थे, तो उन्हीं से आई थिंक इशू रिजॉल्व हो गया अभी एंड वी आर सॉर्टेड फॉर रेस्ट ऑफ द जर्नी. सो लेट्स सी. वेस्टर्न पेरिफेरल क्रॉस करने के बाद हम लोग फाइनली मूरथल वाले रास्ते पे आ गए हैं एंड बहुत टाइम हो गया यार, लिटरली बहुत टाइम हो गया. आई थिंक जब मैं चंडीगढ़ से ट्रैवल करती थी ना टू दिल्ली, तब अमृत सुखदेव पे गई थी एंड दिस इज़ द टाइम जब हम लोग फिर से वहाँ जाने वाले हैं बिकॉज शाई हैज़ नॉट बीन देयर एवर एंड हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पर ट्राई करें. आई नो बहुत अच्छा कुछ खास नहीं है बट हाइप है. सो और टाइम भी ज़्यादा हो गया सो हम लोग आज वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे. सो अभी जब हम मूरथल पहुँचे हैं ना तो ये 7:30 या 8 के आसपास की टाइमिंग है एंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब कोई भी टेबल खाली नहीं मिला था. 5 मिनट के बाद तो हमें लगा कि शायद कहीं और ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए था, बट नन द लेस द जो वेटिंग टाइम था ना दैट वाज एक्चुअली वर्थ. बहुत ही बहुत बहुत मज़ेदार ब्रेकफास्ट हुआ. क्या बढ़िया पराठे और चाय के कॉम्बिनेशन के बाद वी स्टार्टेड अगेन. लिटरली 5 घंटे बाद हम लोग अम्बाला पहुँचे हैं. पता है क्या हुआ है, हम लोग को दिमाग में नहीं था कि फ्राइडे भी ऑफ है कई जगहों पे, काफ़ी सारे ऑफिस में गुड फ्राइडे की वजह से. तो लॉन्ग वीकेंड की वजह से ना काफ़ी ट्रैफिक मिला हमें सोनीपत के बाद अम्बाला तक के पैच में एंड बहुत सारे रोड की साइड पे एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए हुए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी ब्लॉकेज था रोड पे. एंड अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जो अम्बाला के बाद एक टर्न लिया है ना चंडीगढ़ के लिए, वो काफ़ी स्मूथ, मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ. एंड वेदर ना पहले से थोड़ा सा बेटर हो गया है. वहाँ जहाँ पे हम सैलेड ले रहे थे ना, मुझे ये सोच के बहुत हंसी आई कि बचपन में जब ट्रेन में मम्मी और पापा ककड़ी और खीरा खरीदते थे तो इतना अजीब लगता था कि यार सबके बच्चे चिप्स और फ्रूटी पी रहे हैं और खा रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हमें सैलेड क्यों खिला रहे हैं. बट सी है टाइम हैज़ केम जब हम लोग खुद अपने पैसों से खुद से खरीद के सैलेड खाते हैं एंड हाउ सेटिस्फाइंग दैट स्नैकिंग इज़.
और फाइनली हम लोग हिमाचल में एंटर कर गए। एक मैं आपको बताती हूँ, मेन रोड से जब आप जाएंगे ना तो एक नीचे से सेक्शन निकलता है जो कसौली की साइड जाता है। आप कालका एक्सप्रेसवे से भी आ सकते थे, बट वो हमें बताया गया था या मतलब मैप ने ऐसा कुछ दिखाया था कि उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, सो वी ऑप्टेड फॉर दिस रूट एंड दिस इज़ द डेस्टिनेशन। फाइनली वी रीच्ड आवर होटल एंड लिटिल बिट स्नीक पीक इन टू द रूम। बहुत ही डिसेंट सा रूम है, जो हमें कॉस्ट पड़ी थी वो मैं सब डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। रूम बहुत डिसेंट है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अब व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है, मैं जो आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, बट इनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी ना वो मतलब दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमेंडेबल। मतलब बहुत ही प्यारे बंदे थे यार जो वहाँ पे सर्विस पे थे, बहुत ही अच्छे लोग थे। जो भी चीज़ें जितनी भी नीड्स थी सब लोग को बहुत अच्छे से उन्होंने कैटर किया। एंड दिस इज़ द रूम व्यू जिसके लिए हमने ये रूम ऑप्ट किया, इट वॉज़ टू गुड। एंड थोड़ी देर आराम करने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट किया था मूर्थल पे, उसके बाद बीच में वही स्नैकिंग की थी सैलड वगैरह के साथ, तो एक एग मैगी लेके बैठे एंड थोड़ा बहुत काम भी बच गया था ऑफिस का तो वो कंप्लीट करने में लग गए थे, विच टुक अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 घंटे हमें लगा पूरा काम कंप्लीट करने में। आके अगर बहुत देर तक काम करने बैठ जाना तो अंदर से ही गिल्ट होने लग जाता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के आ गई। और मैं दिखाती हूँ यार, इनकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, सामने से पता नहीं लगता कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। सो ये इस डायरेक्शन से शुरू होती है एंड इनके यहाँ पे इस साइड पे भी रूम्स हैं एंड यहाँ पूरी ख़त्म होती है। तो जहाँ पे हम लोग रुके हैं ना, छोटे छोटे से कैबिन है एंड एक कैबिन में लगभग 2 रूम हैं और दोनों रूम का कंबाइन बालकनी है। बट व्यू नीट एंड क्लीन एंड होस्ट इज़ सुपर अमेजिंग। आप ये चूज़, अभी हम लोग थोड़ा सा आराम करके एंड एक क्विक स्नैक टाइप लेके वापस निकले हैं मॉल रोड की साइड पे। सो मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली ये लॉन्ग वीकेंड था उसकी वजह से स्टेज काफ़ी महंगे थे, नॉर्मल स्टेज भी, तो हम लोग थोड़ा सा पहले रुके विच इज़ लाइक 2 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर। सो इफ़ यू आर नॉट कमिंग बाई योर ओन व्हीकल, आप लोग मॉल रोड के आसपास कुछ फिगर आउट करिएगा, बट इफ़ यू आर कमिंग बाई योर व्हीकल आई थिंक ये कॉम्पनसेट हो जाएगा। सो हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट लिया, आई थिंक एक दो घंटे के आसपास एंड उसके बाद हम लोग फिर अभी मॉल रोड साइड निकले कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज अभी कसौली तो पहुंचे नहीं है। इतने आराम से चल रहे थे हम लोग दिल्ली से कि इट टुक अप्रॉक्सीमेट 6.5 आवर्स या 7 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली फॉर अस टू रीच। बीच में काम भी कर रहे थे, मीटिंग्स वगैरह लेनी पड़ रही थी रुक के, तो वो भी एक क्लॉज था, बट ठीक है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि मॉल रोड के आसपास कैसा है, क्या है। एंड भीड़ देख लो आप लोग वीकेंड के टाइम पे, मतलब पता चल रहा है दूर से ही ना कि ये मॉल रोड का ही रास्ता है। यहाँ से अभी 300 मीटर के डिस्टेंस पे है मॉल रोड, बट उससे पहले ही पूरा ब्लॉक है। ज़ूम इन करो। अरे यार से ना 200 मीटर के गैप पे अगर आपका बाहर का नंबर है, मतलब HP का नंबर नहीं है, तो यहाँ एक स्लिप मिलती है एंड देन एकदम सामने जब आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये पार्किंग है। तो आई वुड से कि अगर जैसे लॉन्ग वीकेंड है या कुछ भी है, आप अपनी गाड़ी यहीं पार्क करिए एंड देन एक्सप्लोर मॉल रोड या सनसेट पॉइंट या जो भी है, बिकॉज अंदर ट्रैफिक में फंसने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कहीं ना मल्टी लेवल पार्किंग है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। एज सुन एज यू आर कमिंग आउट ऑफ द पार्किंग जोन आपको मॉल रोड का रास्ता मिल जाएगा। और मॉल रोड स्टार्ट होते जो सबसे पहली चीज़ दूर से दिख जाती है वो है वहाँ का चर्च, जो कि पहला पॉइंट है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट यू विल रीच एज सुन एज यू आर कमिंग आउट ऑफ द पार्किंग जोन इज़ दिस कसौली चर्च। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन हिमाचल प्रदेश, बिल्ट इन 1844 बाई डॉक्टर विल्सन। एंड यहाँ से जो व्यू दिखता है ना आपको ड्यूरिंग सनसेट, दिस इज़ मैजिकल। मतलब अगर आपकी आइटनरी बिल्कुल मेरे जैसी है ना, लाइक हाफ डे एंड वन डे अगेन टू एक्सप्लोर,
आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू विजिट दिस चर्च ड्यूरिंग बोथ डे, क्योंकि अलग अलग व्यू दिखता है अलग अलग डे टाइमिंग में, एंड दिस इज़ समथिंग यू जस्ट कांट मिस आउट ऑन. उसके बाद नेक्स्ट चलते चलते हम लोगों ने मॉल रोड की थोड़ी बहुत शॉप्स देखी एंड देन वी लैंड अप हियर विच इज़ ओल्ड हेरिटेज मार्केट ऑफ कसौली. बहुत ज़्यादा एकदम क्या बोलते हैं पैक्ड मार्केट नहीं है, बट येस फूड, हिमाचल प्रदेश की जो भी चीज़ें, शोविनर्स, एनी थिंग विच यू लाइक टू गेट फ्रॉम कसौली एज इन अ मेमरी और समथिंग टू कीप ऑन इज. जॉइंट एक्सप्लोर किया वो सब शॉर्ट्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे हम लोगों ने डिनर ऑप्ट किया. इट इज़ अ तिब्बतन कैफ़े जो आपको मॉल रोड की दूसरी साइड पे चलते मिल जाएगा, नीचे की साइड पे. जैसे नॉर्मल कैफ़े का एम्बियंस होता है वैसे ही इट वॉज देयर एंड द फूड वॉज रियली रियली गुड. कसौली का हाफ डे एक्सप्लोर. वी हैड जस्ट ओनली लाइक 3-4 आवर्स. उसके बाद मार्केट वगैरह भी बंद हो जाती है. सो हमने चर्च देखा एंड देन मार्केट एक्सप्लोर किया एंड देन वी हैड गुड फूड देयर. कल एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है विच विल कवर एंड एक्सप्लोर द एंटायर कसौली पॉइंट जो भी हम एक दिन में प्लान कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग ऑफ कसौली पार्ट 2. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मौसम साफ है, नीचे क्लाउड है, बीच में आप है.